यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठीक ठाक ठाक हैं है, जी। बिल्कुल ठीक ठाक है। चलते अपने हेयर स्टाइल की तरफ। चलें जी, पोजीशन सेट कर ली हमने, बालों को अच्छी तरह से ऑफ कैमरा कॉमिंग कर ली। अब यहाँ से हमने बाल उठाए, यहाँ से इसके तीन हिस्से की हमने थ्री सेक्शन करने के बाद हमने फ्रेंच ब्रेड जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से थोड़े से बाल फ्रंट से उठाए, बालों को यूं ले जाके सीधा किया। सीधा करने के बाद ऐसे टाइट करके हम जो है ब्रेड बना देंगे। अब ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगता है कि अब आप किसी मेहंदी पे जा रहे हैं, बारात पे जा रहे हैं, आपने बिंदिया लगाई हो खूबसूरत सी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं है। ऐसे ही है, मुझे शौक ही नहीं है, बस बिल्कुल नहीं है। और उसे क्या कहते हैं, मेरे पास एक भी बिंदिया नहीं है, एक भी सेट नहीं है, कुछ नहीं है। और मुझे सिर्फ रिंग्स का शौक है, बट वो भी मेरे पास इतनी नहीं है, तो दो तीन है बस, वो भी ज्यादा नहीं है। तो आजकल मुझे रिंग्स का शौक हो गया है, वैसे मेरा दिल चाहता है कि मैं लूं, बट अभी तक मैंने ली नहीं, भी सोच ही रही हूं मैं। और बाकी मेरे पास बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं है, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि कोई लड़की हो उसके पास ये चीज़ें ना हो, ये ना मानने वाली बात लगती है, बट ये हकीकत है, मेरे पास नहीं है। और मेरे पास एक और चीज़ बताती हूँ आपको, कोई भी मेकअप का सामान नहीं है मेरे पास। एक लिपस्टिक है और एक मेरे पास लिप लाइनर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है मेकअप में भी। ऐसे है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है, मैं मेकअप करती नहीं हूँ। और कहीं अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी पे या कहीं, तो लिपस्टिक के सिवा मैं कुछ नहीं लगाती है, खाली मैं आउटलाइन करती हूँ और अंदर हल्की हल्की सी लिपस्टिक लगा के देन बस मैं तैयार हो जाती हूँ। यही मेरा मेकअप होता है और यही मेरा सारा कुछ होता है। हाँ, जो ड्रेस की बात है, तो ड्रेस मेरा मैं कहती हूँ कि अच्छा होना चाहिए, ड्रेस खूबसूरत होना चाहिए, आपका बाल अच्छे से बने हों, जूती अच्छी पहनी हो आपने, ठीक है। आपने हल्की सी भी लिपस्टिक, अगर आपकी स्किन अच्छी है या आप लोग जो है वो अच्छा हेल्थी खाना खाते हैं, उसकी वजह से स्किन अच्छी रहती है, तो आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि अच्छा खाया करें। अच्छा खाने से क्या होता है कि आपकी स्किन ग्लो करती है और आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, जिससे आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप ही अच्छा खाया करें। जो पैसे आप लोगों ने मेकअप लेना है, आपको शौक है, लड़कियों को शौक होता है, अब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं है तो किसी को भी नहीं है, नहीं, मेकअप तो बना ही लड़कियों के लिए है, तो नहीं, इवन अब तो लड़के भी करते हैं, और पर लड़कियों के लिए बना है। तो आप लोग मेकअप भी लें, पर जितना पैसा आप मेकअप पे ज़्यादा लगाएं, उतना खाने पीने पे अगर आप लगा लोगे ना, तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मेकअप के बगैर ही आप इतनी हसीन लगेंगी कि आपकी एक स्किन जो है वो उस पे अपना ही ग्लो होगा और अपनी ही एक खूबसूरती होगी। ये देखिए, इस साइड पे हमने ये बना लिया। आप लोग मेरी बातें भी सुना करो, बट हेयर स्टाइल भी गौर से देखा करो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये ना हो कि मेरी बातें सुनते रहो आप लोग और हेयर स्टाइल जो है वो आप देखो ना गौर से, तो फिर आपको वो समझ नहीं आएगी सही तरह से। ये देखिए जी, ये एक साइड भी हमारी बन गई है। कैसी लग रही है आपने मुझे बताना है। चलें जी, लेफ्ट साइड पे आ गए हम। यहाँ से भी सेम हमने बाल उठाए, थोड़े से तीन हिस्से कर लिए
और जी यहाँ से बालों की लेयर उठाते जाएंगे एक एक करके, वन बाय वन करके, और अपनी ब्रेड में उसको ऐड करते जाएंगे बिल्कुल फ्रेंच की तरह। और मुझे ये आप लोग बताओ कि मैं आप लोगों को कब से कह रही हूँ कि आप लोगों ने फ्रेंच ब्रेड सीखनी है, किसी ने सीखी भी है या नहीं सीखी है, ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। मुझे बता दो, सच सच बता दो मुझे कि किसी ने अभी तक फ्रेंच ब्रेड सीखी है या किसी को पहले से आती है, तो मुझे कमेंट में बताए वो, क्योंकि उससे आपको हेयर स्टाइल बनाने में बहुत आसानी होने वाली है। फ्रेंच ब्रेड करनी आ जाए तो आधे हेयर स्टाइल समझो आपको आ गए, ऐसी है। तो ये आप लोगों ने जरूर सीखनी है। फ्रेंच ब्रेड से ये हो जाता है ना कि चले आप जो है वो फ्रेंच ब्रेड बना लें, यू फ्रंट पे बना ली, तो आप कोई ना कोई जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है वो फ्रेंच ब्रेड लाजमी सीखा करें। बाकी आपको आहिस्ता आहिस्ता देखने से, प्रैक्टिस करने से हेयर स्टाइल बनाने आ जाएंगे। आप लोग देखा करो, समझा करो, और अपनी मामा पे, अपनी सिस्टर पे जो है वो ट्राई किया करो हेयर स्टाइल, आपको हेयर स्टाइल बनाना आएगा। सीखने से कौन सा काम है जो नहीं आता, हर काम आ जाता होता है, इसलिए हमें जो है ना वो सीखना चाहिए हर काम, क्योंकि हर काम इंसान को आना चाहिए, फिर इंसान को जो है ना वो किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। जी हर काम आपको सीखना चाहिए। और मौसम भी देखिए चेंज हो गया, अब तो मौसम चेंज हो गया है, अब तो दिल करता है चाय हो, पकोड़े हो साथ, और दिल करता है हलवा हो, क्योंकि ठंडा मौसम आ चुका है, साथ चाय पिए गरम गरम, कड़क चाय हो साथ, और ऐसी ऐसी चीजें जो है ना वो खाने को दिल कर रहा है आजकल। आप बताएं आपका आजकल क्या क्या खाने को दिल चाह रहा है? गुड़ वाले चावल हो, मेरे फेवरेट हैं गुड़ वाले चावल, फेवरेट, मैं खाती हूँ बहुत शौक से। और आपको पता माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ऐसी कुकिंग करते हैं, ऐसी कुकिंग करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, बंदा एक दफा खा ले तो उंगलियां भी चाटने लग जाए ऐसी। चले जी, अब हमने जी दोनों साइडों पे ये बना ली, अब हमने इन बालों को पकड़ा और यहाँ पे टाइट करके हम जो है ना वो रबर बैंड लगा देंगे, ताकि हमारी ये जो ब्रेड्स हमने खूबसूरत सी बनाई है नीट एंड क्लीन करके, वो जो है वो खराब ना हो जाए, ओपन ना हो जाए, पिंस के साथ वो टिक नहीं रही थी, इसलिए हमने सोचा कि इनको टाइट करके रबर बैंड लगा दें, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो सिक्योर हो जाए, ताकि हमारा हेयर स्टाइल, हमारी की हुई मेहनत तो खराब ना हो। तो आप कोई भी अच्छी सी रबर बैंड लगा सकते हैं, फैंसी भी लगा लें, कोई स्टोन वाली लगा लें तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए जी रबर बैंड में लगा लें, अब देखिए जी, अब जो हमारे सारे बाल है ना, उन सारे बालों को हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करके तो उनको ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे, जिस तरीके से आपको भी नजर आ रहा है। अब आप लोग ये वाला हेयर स्टाइल आगे फ्रंट का बना के ना, पीछे रबर बैंड लगा के बाल ओपन रख लें अगर आपका दिल कर रहा है तो, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये आगे वाला हेयर स्टाइल बना के पीछे बन बना लूँ, पीछे बन बना लूँ, आपने अच्छे से झुमके पहने हों, बिंदिया लगाई हो, और आप जो है ना माशाल्लाह क्या कमाल की लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी आप लोगों ने जरूर जो है ना वो ये ट्राई करना है जरूर।
और मुझे बताना है जरूर कि कैसा लगा। चलें जी, अब हम जी रबर बैंड लगा लेंगे। अब जी ये हेयर स्टाइल तो आगे का आपका बन गया ना, अब ये पीछे ब्रेड भी अच्छी लग रही है जो हमने दो हिस्सों की है ना, थ्री हिस्सों की नहीं की हमने, जो इनको ट्विस्ट करके हमने बनाई है ना, ये भी अच्छी लग रही है। सिंपल ब्रेड भी अच्छी लगेगी, जो बना लेंगे आप वो अच्छा लगेगा। अब इस तरीके से हम जी अपना बन बना लेंगे। इसको टाइट करके तो आपने पिनों के साथ सेट कर लेना है, वो भी पिन के साथ। इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। चलें जी, तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा यार। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।